जोरदार तालियां हो जाए आज के हमारे गेस्ट सोहेल खान और मिक्का पाजी के लिए। कैसा लगा सबको? मिक्का, हम ऐसे दो बंदे हैं आदि जिसे इस बात की खुशी है कि हमारी यहाँ लगने वाली है। यू नो कॉमेडी नाइट्स बजाओ बजाओ, खुद बोल रहे हैं बजाओ या बचाओ, मैं बोल रहा हूँ नाइट्स बजाओ। मेरे लिए बजाओ ही है। वेल सबसे पहले तो मैं आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा शो है और आप सबकी दाल रोटी चल पड़ी। बोलिए बोलिए जितना बोलना है। वेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, सुदेश जी, भारती, ऐसा बंदा है, इतने प्यार सब मिल रहा है, इनको शुरू तो होने दो। इस शो पे आने के लिए ना बड़े सस्ते सस्ते स्टार मिल रहे थे, लेकिन ये हमारा लॉन्च एपिसोड है, इसीलिए जो फ्री में मिले हम वही ले आए। लेकिन कृष्णा इस टाइम जी हम लोग अपना दिमाग घर छोड़ के नहीं आए। अच्छा, फ्रंट फुट पे हम भी खेलेंगे। वैसा है बिल्कुल, अभी फ्रंट फुट पे खेलेंगे। हाँ, पहली बॉल पे आउट भी हो सकते हैं। अच्छा। तो मीका जी, सुहेल जी, कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार है आप? यार ये कुर्सी लगा रखा, लेकिन कुर्सी है कहाँ पे? सुहेल भाई, मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार नेशनल टेलीविजन पे मिक्का पाजी कुर्सी कर रहे हैं। मतलब जो बंदा खटिया और बेड के नीचे बात नहीं करता वो कुर्सी की बातें कर रहा है। सोहेल भाई, ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी ऐसे नीचे नहीं आएगी, इसके लिए वो वर्ड बोलना पड़ेगा। भारती जी, कौन सा? और जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा वो एक ही चीज बोलेगा, बचाओ। सर चले, आप लोग विराजमान। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलिए। पहले मैं कृष्णा को बधाई तो दे दूं। किस चीज़? कृष्णा बहुत बहुत बधाई हो। किस मुझे बच्चा तो हुआ नहीं। सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर है उड़ के छाती पे लात खाने का। हाँ, क्योंकि तुम ही पहले परफॉर्म करने वाले हो। अच्छा, हाँ जा बेटा, छाती पे तेल मल के आ जरा। चलो 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 चलिए सर, आप थोड़ा उन लड़कियों के बीच में रेस्ट कीजिए। अच्छा, मुझे वहाँ जाना है। हाँ जी, आप सॉरी, क्योंकि आज मुर्गा मैं बनने वाला। सॉरी सॉरी। तो मीका बाजी, तुसी फिर तैयार हो खातरदारी वास्ते? बिल्कुल जी, मैं रेडी हूँ। आइए सर, ऑल द बेस्ट सर आपको भी। वैसे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आजकल मार्केट में दो ही चीजें चल रही हैं, म्यूजिक में मीका सिंह और कॉमेडी में भारती सिंह। आपको पता है जब मीका जी का कोई शो बुक करने आता है तो क्या होता है? वही बताने आ रहे हैं कृष्णा जी, सुदेश और सारा। देखिए ऑडियंस, मैं हूं मीका का मैनेजर। क्या कहां जा रही है? अरे मैनेजर हूं, कुछ तो हरकतें मिलेंगी मेरी। चला हंस कह रहे तुम लोग। अरे पहले मैनेजर ही स्क्रीन टेस्ट लेता है, उसके बाद साहब स्किन टेस्ट लेते हैं। छोटा मोटा मत समझना। खैर, हमारे सोहेल भाई, जोरदार तालियां। सोहेल भाई, आप तो क्या लग रहा है, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, आपके सामने हाथ जोड़ेंगे हम। मीका बाजी, आज इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। काय को करे भैया,
जब फिल्में हमको रोहित शेट्टी ने देनी, इनके सामने हाथ पैर कैसे जोड़ लूं मैं? लेकिन भाई मैनेजर, सच्ची बताता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक आने के लिए, जाए जहाँ ये लोग बैठे। पता है सोहेल भाई कितने दिनों से लगे हुए हैं, हमारे मिक्का पाजी कितनी रातों से लगे हुए हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी ऑफ वर्क। सोहेल भाई के पास वर्क नहीं है, बॉडी बनाते रहते हैं। और ये हमारे मिक्का पाजी जो हर बॉडी पे वर्क करते हैं। लेकिन भैया ओवरऑल देखो, फेमस हो गए ना, पहचान तो है कि नहीं, दुनिया जानती है। सलमान खान का भाई, दिलेर मेहंदी का भाई है कि नहीं? ये मजाक होता है। और देखो साला बोल भी कौन रहा है जिसे लोग गोविंदा का भांजा कहते हैं। सोहेल भाई, मैंने आपकी पिक्चर देखी जय हो, बाप रे बाप, मजा ही आ गया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मतलब उसमें मैसेज बहुत अच्छा था कि थैंक यू मत बोलो, तीन लोग की मदद करो, फिर तीन छह की करेंगे, नौ की करेंगे, बारह की करेंगे, छब्बीस की करेंगे, पचास की करेंगे, ऐसा सब था ना। थिएटर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पहले एक निकला, फिर तीन निकले, फिर छह निकले, फिर नौ निकले, फिर छब्बीस निकले, फिर पचास निकले। अरे हंस क्या रहे हो, पिक्चर खत्म होती लोग निकलते नहीं क्या थिएटर से? बढ़िया पिक्चर बनाई, जोरदार तालियां बजाओ। मैं हूं मिक्का पाजी का मैनेजर और इनकी सारी FIR मैं ही संभालता हूँ। अक्सर मैनेजर लोग जो होते हैं ना, एग्रीमेंट संभालते हैं, लेकिन ये बंदा काम से ज्यादा लफड़े करता है तो FIR संभालनी पड़ती है। खैर मैं अपने मिक्का पाजी को बुला लेता। यार मिक्का पाजी कहाँ हो तुसी? मिक्का पाजी, अरे ओ मिक्का। मैं मजाक उड़ा, मैं गिटार मुंह पे मारनी दिल पे नहीं। ओ देखा जो तुझे या डिंग तुझे कटिंग। ओ माँ माँ पैन माँ पैन। ओ देखा जो तुझे या पुंगी बजा के। ये बताना पड़ता है कि ये सारे गाने मैंने गाए, नहीं तो आजकल सलमान खान भी गाने लगे हैं, क्रेडिट ना ले जाए, उनका तो मुंह हिलना है, जोर सारा हमारा लग जाता है। ओ माँ पेन माँ पेन। अरे बुरा मत मानिए, ये रियाज कर रहे हैं गालियों का। ओ बारह महीने से बारह तरीके से बारह लड़कियां पटाऊंगा मैं। थैंक यू माँ बैंड माँ बैंड। और सर जी मैनेजर साहब क्या हाल है? ओ बहुत बढ़िया, बड़े बहुत बड़ा फार्म हाउस है अपना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारे पाजी मजा लेते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं साहब के पास इतने सालों से काम कर रहा हूँ, दिल के बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी। इनको सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है, एक हमर और चार पतली कमर। खैर आपसे एक बात पूछनी थी, आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूमते हो हमर, फिर रिक्शा जैसी दिखने वाली राखी की आपने पप्पी क्यों ली? बात हो गया, लोग मेरे को ऐसे गलत समझे हैं, पप्पी की मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ। वो बस मेरा थोड़ा मन था। नहीं यार बात सुनो, छोड़ो यार। नहीं नहीं मैं क्यों पप्पी ली, मतलब क्या, अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मीका छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाता, मेरी बात सुनो। अरे एक मिनट, हंस क्या रहे हो तुम लोग, ऐसा चलता रहा ना फिर बहुत बड़े बड़े केस होंगे सर जी। ओ यार तू क्या केस होंगे यार, ऐसे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा छोड़ के चला जाएगा तू, मेरे एहसान भूल गया तू क्या? आ, मैंने तेरी बीवी की जान बचाई थी कमीने। और चलो जाऊंगा। हाँ सोहेल भाई, मेरी बीवी की जान बचाई इन्होंने, मेरी बीवी बाथरूम में फिसल गई, वो तो शुक्र है इसका ये उस वक्त बाथरूम में मौजूद था। मेरी बीवी को पकड़ लिया, बच गई वो। थैंक यू।
अब देखना कि तेरा बेटा गाना भी कितना अच्छा गाता है। नहीं नहीं बस नहीं बस यार क्या आते हैं यार ये क्या बातें शुरू हो गया तो आते यहाँ नहीं बाहर बाहर जाके करके यार मेरा फोन वाइब्रेशन हेलो हाँ जी मैडम ओ मैडम आप बार बार मत फोन कीजिए समझिए आप लो किसका हाँ आप भी हमारे साहब के पीछे थी हो गया तो हो गया अरे किसका है यार वो पुलिस कंप्लेंट नहीं हुआ क्या करनी है तो करो हमारे साहब बड़े बड़े लोगों को जानते हैं समझिए आप नहीं नहीं मैं नहीं मैं रहने रहने जानते हैं मैं किसी को ये वो वाला किस्सा नहीं है हाँ। वो वाला किस्सा है जो ऑर्गेनाइजर को थप्पड़ मार दिया था ना अपने शो पे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ। ऑर्गेनाइजर का कसूर था थप्पड़ खा लिया उसने अच्छा हाँ क्यों क्या किया मैं शो पे गया हाँ मेरे को कहता आपने पैसे लिए अब गाना भी गाना पड़ेगा अरे ये कोई होता है हाँ ये कोई क्या मेरा वाइब्रेशन भालो हाँ जी हाँ जी क्या यूके में 10 शो हैं हाँ सोहल साहब 10 शो फ्री नहीं बैठे अच्छा फिर अमेरिका जाना है अमेरिका जा रहे हैं सोहल साहब 20 शो कर रहा हूँ Altogether 30 shows. 30 शो जय हो सर 30 शो है अमेरिका में सोनू निगम के देखने चले ओ पागल है यार तू छोड़ मैं तू मेरा मैनेजर है मैनेजर वाले काम कर आज का शेड्यूल क्या 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 कर हाँ जी शेड्यूल आज का बताता हूँ सर जी जल्दी बताओ जल्दी आपको सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सोहेल साहब मीटिंग बिजी आदमी फिर दिन के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक आपको अरिजीत सिंह से जलना है चलना चलना मैं ज्यादा गाने गा रहा हूँ सुनो फिर शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक हनी सिंह से जलना है और फिर उसके बाद रात को अपना वही प्रोग्राम मैं डर गया कहीं जलना ही जलना ठंडा भी होना ना ठीक है वेरी गुड वेरी गुड अरे एक मिनट घर की घंटी बजी को लगता है कोई आया है देख यार कोई बाहर निकाल को बंदा है तो हाउ आर यू हां ये डिंग मिका डिंग मिका गंदी बात अरे वाह बरसात आई तो इधर अच्छा मिलेगा पागल अपनी औकात मेरा जिसका काम उसी को साजा सर जी आ जाओ एक मिनट सर जी मैंने दूध का गिलास रखा है केसर रखा मैं चलता हूँ ओ थप्पड़ मारना तेरे ओ शो बुक करवाने आई है पागल है तू अच्छा हाँ ये सही बुक करवाने आई है यार दिखने में तो ऐसी लगती है वो शादियों में सलाद काउंटर पे वो लड़कियां नहीं घूम रही होती है नहीं 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 मैं मिका जी से मिलने आ रही थी तो थोड़ी तैयार होकर आ गई आपको याद है ना मैंने आपसे फोन पे बात की थी अच्छा अच्छा बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट की 10 लाख लोग आने वाले हैं सोहेल साहब 10 लाख लोग हाँ तो क्या हुआ हमारे पाजी कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं है पैसे की बात कीजिए हाँ ठीक है 20 लाख से 1 रुपया कम नहीं 20 लाख हाँ. वैसे मैं बता दूं हाँ. कि ये जो कॉन्सर्ट है हाँ. ये गर्ल्स कॉलेज में होने वाला है 1 रुपए से 20 लाख कम नहीं फ्री ले जाओ वैसे अरे पागल हो गए गर्ल्स कॉलेज अरे मार्केट खराब होगी सर ओ यार डिंक मिका डिंक अरे मार्केट खराब होगी पर पुंगी बजा के अरे नहीं मार्केट खराब होगी सर कितनी बार कितनी बार अच्छा ठीक है चल के साथ किया धोखा कैसे बहुत बड़ा स्टार आ रहा है बहुत बड़ा स्टार बाहर में सेलिब्रिटी को ले आए स्टार किधर है वो तो वेट कर रहे हैं ना फिर अरे उधर देखो सलमान भाई बैठे हैं अरे डर तक क्या है क्या है सलमान खान क्या है सिर्फ एक अच्छा इंसान सिर्फ एक सुपरस्टार गरीबों की मदद करने वाला
अरे क्या इसके अलावा मुझे एक भी खूबी बता दो, तेरा जूता मेरा सर। अच्छा गुस्सा आ जाए ना बहुत मारते हैं। तो निकाल जूता। बकवास बंद कर, ये बता क्या लेने के लिए इधर, कौन है? मैं वैसे नहीं आया, एक्चुअली कल संडे है तो हम घूमने आए थे, मेरी बेटी साथ आई है। अच्छा, तो कहती कल पापा छुट्टी है तो सलमान से शादी करवा दो। नहीं, मैं मुझे पता है बीजी, सिर्फ 10 मिनट लेने हैं, फेरे करवाओगे आप अपने घर, पापा मेरे घर, पता क्या बच्चे जिद करते तो काम करिए ना, तो फिर बुला लीजिए यहाँ पे। हाँ बुलाता हूँ। हाँ जी बेटी अदा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलती है लड़की। हाँ जी बोलिए, क्या बोलते थे? हाँ डायलॉग बोलना, ये इन लोग का यही प्रॉब्लम है। एक मिनट, पहले मेरी बेटी अपनी ख्वाहिश से पूरी करेगी कि डायलॉग बोलेगी? कर बेटी तू कर, मैं करवाता हूँ कर। ये सब क्या कर रही है सलमान भाई, ऐसे दूर दूर से पप्पियाँ नहीं लेते, समझी? एक मिनट, एक बार शादी कर लो, नजदीक से भी करो, मुझे कोई इतराज नहीं। सर मेरी बेटी बड़ी संस्कारी लड़की, ऐसे मत देखो, बहुत जल्दी सेट हो जाती है। मेरी बेटी बड़ी संस्कारी है, इसको तरस बड़ा आता है, अगर हैंगल भी देख लीजिए ना नंगा है तो अपने कपड़े उतार के उसमें डाल देगी, ऐसी लड़की। एक मिनट साहब, मैं आता हूँ। किधर जा रहे हैंगर लेने? ओ पागल तू, ये क्या बात हुई? सर देखिए सलमान साहब, आप मेरा बेड़ा गर्क तो कर चुके हैं, अब मेरी बेटी से शादी करके इसका घर बसा दो। ए, कोई शादी वादी नहीं होगी, चलो इधर से। क्यों नहीं हो सकती शादी? क्योंकि हम गरीब हैं। गरीब है? अरे गरीब लोग की तो मदद करते हैं साहब। अरे कोई मदद नहीं करते, मैंने देखा है। अच्छा हाँ। क्या हुआ? अरे मैं बिग बॉस के लिए गया, मैं कहा सर मैं बिग बॉस करना चाहता हूँ। क्योंकि तू क्यों करना चाहते, तेरा तो कोई MMS नहीं बना, तेरे को गंदी गालियां नहीं आती, तेरा तो काम चल रहा है। और मैं कह सर आप गलत समझ रहे हो, मैं होस्ट करना चाहता हूँ। फिर इन्होंने जाके लात मारी मेरे मुंह पे। हमारे सांप की लात खाने के लिए ना करोड़ों लोग की लाइन लगती है, सलमान भाई एक बार छू दे हमको। काहे की तेरी माँ का साकी नाका बे। अगर ये शादी नहीं कर सकते तो फिलहाल मेरी शादी सूरज से करा दो। मैं तेरे थप्पड़ मारना, फिलहाल वो फिलहाल है? अरे उससे शादी कराने का कोई फायदा नहीं, हाथ नहीं आना तेरे, क्योंकि अब वो बन गया सुपरस्टार, कभी वो अवार्ड फंक्शन में जाएगा, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, तू कहाँ कहाँ जाएगी उसके साथ। अगर तू रेस्ट करना चाहती है घर पे तो कृष्णा के साथ शादी कर लीजिए, कोई नहीं बुला। भी शादी नहीं कर पाएगी, भाई जानते हैं मेरे को पहले एक चुड़ैल चिमटी हुई है। एक मिनट। ए, गंदी एक्टर कुछ नहीं है तेरा, जा। एक मिनट, जिसको गंदी एक्ट्रेस बोल रहे ना, 3 सुपरहिट फिल्में वो देख चुकी है। ए, चलो तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, चलो शादी वादी नहीं होगी, समझ गए? सलमान अगर तुमने मुझसे कमिटमेंट नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पापा, पापा गन दे दो। तू पागल है? एक मिनट। ये ले ले। झूठा झूठा, अरे गोली तो है नहीं। अबे गैस की प्रॉब्लम है मेरे। इतना गंदा जोक सुन के अब तो मैं मार दूंगी। पापा आई एम गोइंग। सानी दापा का मकाम। पानी। तो
पागल है? अरे इसको गैस प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है पापा? बस बेटी समय लेके करेक्टर डील आए। पापा। तो बेटी तू ऐसे मत रो। तेरे मस्ते मस्ते दो डैड। मेरे दिल का लगे चैन। पापा मैं ऊपर जा रही हूँ। बेटी तू कभी ऊपर नहीं जा सकती। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद। दगाबाज रे बेटी, दगाबाज रे। मेरी बेटी सलमान के सामने मर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सलमान, मेरी बेटी डिंक चिका के बिना ही चली गई। आज की पार्टी। भगवान ये क्या हो गया? साली खाती बहुत है। उनको लॉन्च किया है, इसको कम से कम ना अपने बालकनी के ऊपर रख के ऐसे लॉन्च कर दो। कोई काम की नहीं लड़की। दी हम इसको कुछ नहीं कह सकते। इसका मामा गोविंदा है, तेरा मामा शर्मिंदा है। जैसा मुंह बना के गई थी वैसी है ना? जैसा मुंह बनाया था वैसी है ना? ऐसी लड़कियां ऊपर से बड़ी भोली होती हैं, लेकिन अंदर से बहुत चंट होती हैं। अपने माँ बाप का वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करती हैं, है ना दादा? लेकिन सुदेश सर, आपने सुदेश जी का मुंह देखा है? कितने भोले लगते हैं। आपको पता है ऐसे बच्चे कब पैदा होते हैं? जब माँ बाप ने हनीमून ना फुटपाथ पे मनाया हो। कृष्णा क्या परफॉर्म करता है बंदा, मतलब आते ही फाड़ देता है। भाई तेरे को फिल्मों में क्या मौत पड़ती है? खैर जोरदार तालियां कृष्णा सुदेश और अमर के लिए। सलमान सर, सर आपने फिल्मों में इतने सारे गाने किए हैं, कभी आपने कभी गौर से अपने बैकअप डांसर्स को देखा है? सर कोशिश करता हूँ। झूठे कहीं के, इतना नाचती थी पीछे आज तक नहीं देखा आपने। पर इनसे अच्छा नाचती थी इसलिए डायरेक्टर मुझे कभी आगे नहीं लेके आया। हाँ। कहते तू उनके आगे नाचेगी वो दिखेंगे नहीं पीछे से। हाँ। बैक डांसर क्या सोचते हैं सर, हम आपको अभी दिखाते हैं। सो प्लीज वेलकम नसीब एंड पूजा। हाय सूरज, हाय अतिया। हेलो सर। सलमान जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने मुझे पहचाना, आप मुन्नी को छोड़ने गए थे ना पाकिस्तान? मैं मुन्नी का पापा हूँ। जब आप मुन्नी को छोड़ के आए वहाँ से तो मुन्नी भी हिट हो गई, उसकी मामा भी हिट हो गई, और मैं बीच में बकरियाँ चलाता रह गया अभी तक। मुझे तो बकरियाँ भी मुंह नहीं लगाती, कहती तू तो फिल्म में था ही नहीं। मुँह लगाता सर मुझे तो। सर आपकी वैसे क्या ग्रेस है, जब आप पाकिस्तान गए ना, अब कई पाकिस्तानी लोग जो हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, कहते इंडिया जाके गुम हो जाओ, छोड़ने के लिए तो सलमान खान ही आएंगे ना। सर इसको पहचाना आपने? पूजा डांस करती है आपके गानों के पीछे, आप इसलिए नहीं पहचान रहे आपके पीछे होती है, बल्कि बहुत पीछे होती है सर, इतना पीछे होती है वहाँ इसको ना एक्शन की आवाज़ आती है ना कट की आवाज़ आती है। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे मिलने दे। आपकी बहुत बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है आपकी। जब आपका पहली फिल्म आई थी ना दबंग, उस वक्त इसको एक बच्चा हुआ था, फिर जब आप गाय किया ना दबंग 2, फिर इसके 2 बच्चे हुए। सर प्लीज अब अली बाबा 40 और मत बनाना। ऐसे सबके सामने कुछ भी मजाक मत किया कर यार, वो सूरज आतिया है, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, पहली बार मिल रहे। सलमान का तो ठीक है, वो तो मेरे अपने ही हैं। वो मेरे अपने हैं। आहा, ये जो तूने ड्रेस पहना हुआ है ये भी तेरा अपना नहीं है। 600 रुपया भाड़ा है इसका। बाहर भी लोगों को ऐसा एटीट्यूड रहती है जैसे स्टार हो, हाय कैसे हो। अरे और एक स्पॉट दादा खड़ा था तो उसको यहाँ से पप्पी कर ली इसने। मैंने कहा ये क्या किया, कहती फिर ऐसे चाय नहीं देता ये। सर आपसे एक बात पूछनी है, आपने अपने दोस्तों के बच्चों को लॉन्च किया है, हालांकि लोग आपके अपने बच्चे देखना चाहते हैं। क्या प्रॉब्लम है तुझे? इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है,
शादी होगी तो बच्चे होंगे ना सर, जब तक नहीं होती अब मुझे गोद ले लो। इतना बड़ा बच्चा नहीं होता है। अगर टाइम पे शादी की होती तो इतना ही होता। कुछ भी बोल रहा है यार। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं ना इनको देखती रही ना थोड़ी देर और तो मैं आज पागल हो जाऊंगी। ओए पागल हो जाऊंगी, उसके बाद मुंह धो के शीशा देख लेना, ठीक हो जाओगी। मैं रुक जाना यार, मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, अभी पहली बार मौका मिला है, कर लेने देना। हाँ, कर कर कर। सलमान ये ना सच बोलने वाला शो है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये शो सिर्फ और सिर्फ मैं पापी पेट के लिए कर रही हूँ। वैसे तो मैं स्टार बनना चाहती हूँ, मैं उसके लिए क्या करूँ आप बताओ प्लीज। सबसे पहले ये ओवर एक्टिंग छोड़। तुझे पूछा, तू चाहता नहीं तेरी दो स्टार बने? हाँ बन सकती है। तो फिर बोल ना यार, कोई आइडिया देना यार। एक आइडिया है, बोल। तू एक काम कर, हाँ। इनके किसी भी दोस्त के घर दोबारा पैदा हो। मतलब इस जन्म में मेरी किस्मत खराब ही रहेगी। वैसे मुझे समझ जाना चाहिए था जब चैनल वालों ने मुझे तुझे पार्टनर दिया। जब हमारा एक्ट खत्म होता था तो हम कहते हैं सर हमसे कोई गलती हो गई हो तो चल भाई चल, लेकिन हम आपको नहीं करेंगे सर। चले एक काम करते हैं, ऐसे बैग जाते हैं। क्यों? अरे ऐसे पीठ नहीं करनी, अचानक पीठ पे जूता लगा तो बहुत चोट लगती है। क्या बात है नसीम जी की, ऐसा टिंडे जैसा मुंह लेकर कमाल की कॉमेडी करते हर वक्त भूखा रहता है कृष्ण। कमाल ऐसे लोग होते हैं सूरज, जो ना तकिए के नीचे केले का छिलका रख के सोते हैं कि सपने में भगवान जरूर एक दिन केला खिलाएगा। ऐसे लोग होते हैं जो अपने बेटे को देख के बोल रहे थे ये कब हुआ। सलमान सर पूजा फुल कपड़ों में, साड़ी वाड़ी में कोई पहचान ही नहीं रहा, क्योंकि सब टांगों से पहचानते हैं ना। अरे लेकिन बहुत अच्छी लड़की है, आपको पता सर, नाइस ब्लाउज। एक ही तार पे अड़ा हुआ सब कुछ, आपको पता है किसको ड्रेस ज्यादा ऐसे कपड़े दे देते हैं। एक ही धागे पे पूरा शो किया इसने, देखो मेरे को देते ही नहीं, कहते मैडम अब यह तो सब खुल जाएगा। मुझे ना हीरो फिल्म में उन्होंने जो गाना गाया है उस गाने पे उनके साथ एक बार डांस। नसीम जी पूजा के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। पूरा हिंदुस्तान यही उम्मीद लगा के बैठा कि आप कब शादी करोगे, कैसे पति बनोगे, आपकी बीवी कैसी होगी, आपको डांटेगी, आप कैसा रिएक्ट करेंगे। मतलब आज थोड़ा दिखाई देते हैं आप कैसे पति बनते हैं। मैं आपकी बीवी और मैं आपसे नाराज हूँ और आप मुझे मनाओगे। हाँ कह दिया, जोरदार तालियां। आ गए आप, ये क्या है, सिर्फ 600 करोड़ का बिजनेस किया। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, कोई फिल्म नहीं करोगी आज के बाद। ये लिपस्टिक का दाग यहाँ पे कैसे आया? हाँ ये दाग कैसे आया? और ये इतने लंबे बाल, इतने लंबे बाल कहाँ से आए? कहाँ थे आप बताइए? अरे ये भी वैसे ही पति बनेंगे, इनकी भी बोलती बंद होगी बीवी के सामने। मेरे बाबूजी कहते हैं कि एक हाथ लो और एक हाथ दो। अभी दोनों ने इतना सुना, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन अब है इनकी बारी, चलिए आइए भारती। भारती पहले आपसे बात करता हूं। आप मुझ पर लाइन मार रही थी, जो मेरे घर पे फटा हुआ बॉक्सिंग बैग है ना, वो भी आपसे ज्यादा शेप में। करन 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 करन, आपकी बारी। आप शेरा के फैमिली मेंबर बने थे ना? वाओ यार, आप तो सेम लग रहे हो, एकदम शेरा के बहन जैसे। कृष्णा भाई आप भाई। आप उस कैटेगरी से हो, आप भले ही को लड़की को ना छेड़े पर चप्पल आपको ही पड़ने वाली है। सलमान सर आप मैं भी हाँ सर, आई लव यू सर।